रोड जिस पर एक चुड़ैल है और उसकी वजह से वहां पर इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वो यार ये चीज देखो, पता नहीं रोड के बीचों बीच। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ, एक ऐसी हॉन्टेड लोकेशन पर जहां पर कहते हैं कि एक रोड जिस पर एक चुड़ैल है और उसकी वजह से वहां पर इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है कि वहां पर रात में जो पैदल लोग जाते थे या बाइक से जाते थे उनको वहां से नहीं जाने दिया जाता है, या गाड़ी वालों को भी जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि वहां पर इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होने लगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो जो चुड़ैल है, चाहे वो डायन बोल लो चाहे आत्मा बोल लो, जब वो गाड़ी के सामने आ जाती है तो लोग इतने हड़बड़ा जाते हैं कि हड़बड़ाहट में उनकी गाड़ी जाके कहीं ना कहीं टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस वजह से वहां पर पुलिस वाले खड़े कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी खड़ी कर दी गई है जो कि उन लोगों को आगे नहीं जाने देती है, उनको आगे जाने से रोकती है। और मैं उसी रोड पर जाने वाला हूँ और देखना चाहता हूँ कि वो जो चुड़ैल है क्या वो मेरे को दिखती है, क्या वो मेरे सामने आती है। और अगर ऐसा हो जाता है तो सच में ये एक बहुत ही शॉकिंग बात होगी कि एक चुड़ैल को लेकर कि एक रोड पर पुलिस वालों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हाँ, मैंने ऐसा आज तक कभी नहीं सुना था, लेकिन फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ और मैं इस चीज़ को देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आ चुका हूँ एक ऐसे हॉन्टेड रोड पर जिसका व्यू मैं आप लोगों को सामने दिखा देता हूँ। ये देखो, सामने एक रोड पर खड़ा हूँ और अभी यहाँ से मेरे को काफ़ी दूर तक आगे जाना है और देखना चाहता हूँ कि वो चुड़ैल मेरे सामने आती है या नहीं। जो भी होगा आप लोगों को पता चलेगा। वीडियो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ इसलिए फटाफट बोल रहा हूँ, वीडियो के साथ बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा तभी आप लोगों को पता चलेगा कि पूरी वीडियो में क्या क्या कुछ कुछ मेरे साथ होता है। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या होता है आगे जब हम इस रोड पर, इस हॉन्टेड रोड पर चलते हैं जहाँ पर हमें वो चुड़ैल की न्यूज़ पता चली है। तो चलते हैं आगे। तो अभी मैं इस रोड पर आगे चलना स्टार्ट कर चुका हूँ। मेरे को नहीं मालूम कि ये रोड कितना लंबा है, कितनी दूर तक है, बट मेरे को जब तक चलना है जब तक वहाँ पे मेरे को पुलिस वाले नज़र नहीं आ जाते, क्योंकि उसके बाद ही वो रोड स्टार्ट होता है जहाँ पर वो चुड़ैल बोल सकते हो या साया है, कोई डायन है, वो क्या चीज़ है ये जानने के बाद ही कन्फर्म होगा। फिलहाल चल रहे हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि क्या होता है आज की इस वीडियो में। सच में मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ वो भी लग रहा हूँ क्योंकि अकेला आया हूँ और अगर ऐसा कुछ हो जाता है, वो चीज़ मेरे सामने आ जाती है तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये मेरे को भी नहीं पता। बट फिर भी रिस्क लेकर आया हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों का प्यार पाने के लिए। तो अभी चलते हैं देखते हैं क्या होता है। अभी तो बस चलना ही है इस रोड पर, सुनसान रोड है, काफ़ी दूर तक है ये, इसके लिए कितने किलोमीटर में ये मेरे को नहीं मालूम, बट फिर भी चल रहा हूँ। देखते हैं कितनी दूर के बाद वो पुलिस वाले नज़र आते हैं मेरे को। अभी मैं इस रोड पर आगे की तरफ चलते जा रहा हूँ, आगे की तरफ मेरे को स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि थोड़ी हाँ सहूलियत सी है, बट पीछे जो अंधेरा था उसको देख के काफ़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि लाइट बंद कर देने के बाद, अगर गाड़ी की लाइट बंद हो जाती तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। यहाँ पर स्ट्रेट लाइट है बट वो भी सिर्फ 2-3 है और मेरे को नहीं मालूम कि आगे क्या कुछ होने वाला है। बट फिर भी इस रोड पर, जब से मैं इस रोड पर चल रहा हूँ ना, सच में मेरे को अभी तक यहाँ पर एक कुत्ता भी नहीं दिखा है जिसको मैं बोलूं कि वो भटक रहा है यहाँ पर। बट एक सुनसान रोड है और ऐसे में चलना कितना ही मुश्किल हो सकता है। एक बार पीछे मिरर कैमरे में देखो, आप लोगों को पीछे रोड का भी व्यू नज़र आ रहा होगा और अभी इसी रोड पर चलते जाना है जब तक हम उस लोकेशन पर नहीं पहुंच जाते जहाँ पर वो पुलिस वाले हैं। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये पुलिस वाले खड़े हैं और ये गाड़ी की तरफ ही देख रहे थे, बट फिर भी मैं आगे बढ़ चुका हूँ। यहाँ पर भी देखो आगे ये पुलिस वाले खड़े हैं, एक ही पुलिस वाला खड़ा है और ये शायद मेरे को लग रहा है कि गाड़ी वालों को नहीं रोक रहे हैं, सिर्फ बाइक वालों को या पैदल जाने वालों को रोकते हैं। और ये देखो यहाँ पर कितने सारे ये पुलिस वाले खड़े हैं जो कि वहाँ पर जाने से रोकते हैं इस रोड पर। मेरे को लगता है कि अब यहाँ से वो रोड स्टार्ट है जहाँ पर वो चुड़ैल या डायन वो चीज़ दिखती है। और सच में ये चीज़ मेरे को सच लग रही है क्योंकि पुलिस वालों को देखने के बावजूद, क्योंकि इतनी रात में यहाँ पर पुलिस वालों को होना
ये मेरे को समझ से बाहर था जब तक मेरे को ये न्यूज़ पता नहीं चली थी, लेकिन अब पता चला कि यहाँ पर कोई चुड़ैल है जो डायन है, जो लोगों की गाड़ी के सामने आ जाती है या बोलो कि जो पैदल चलते हैं उनको मार देती है। और एक गाड़ी आगे रुकी हुई है शायद, पता नहीं क्यों रुकी हुई है, उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया यार। ये चीज ना थोड़ी अजीब लग रही है, वहां पे एक गाड़ी दिख रही है मेरे को और जो लग रहा है कि मेरे को कुछ लोग बैठे हुए हैं वहां पे इस गाड़ी के पास में। ये इस रोड पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं शायद डर की वजह से, या फिर इनको कुछ ऐसा दिख गया है जिसकी वजह से ये यहाँ पर रुक गए हैं। मैं गाड़ी का नंबर ब्लर कर दूंगा फॉर सिक्योरिटी रीजन, मैं नहीं चाहता यार कि। तो और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ बाइक वाले भी हैं यहाँ पर रुके हुए हैं। एक ये बाइक वाला लड़का है यहाँ पर, ये रुका हुआ है, शायद उसको भी यही लग रहा है कि यहाँ पर कोई चुड़ैल वुड़ैल हो जिसकी वजह से वो रुक गया है, वो आगे नहीं जा रहा है। और उसको लगता है कि शायद पुलिस वाले भी रोक लेंगे और शायद वो रोक भी रहे हैं, इस वजह से बाइक वाला रुक गया है। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया हूँ यार कि ऐसे रोड पर पुलिस वालों की सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर एक चुड़ैल है, एक डायन है जो इस रोड पर भटक रही है। अभी मैं इस रोड पर आगे चलते ही जा रहा हूँ और टाइम एक बार आप लोगों को बता दूँ, फोकस कर ले, टाइम हो रहा है रात के 3:22 और इस रोड की डरावनी बात सिर्फ यही है कि यहाँ पर अभी तक मेरे को उन पुलिस वालों के अलावा और एक वो गाड़ी, 1 मिनट यार, वो बीच रोड के बीचों बीच मेरे को लग रहा है जैसे वहां पर कोई हो। चलते हैं, मेरे को इस जगह पे लगा था जैसे यहाँ पर कोई चीज है वो खड़ी होकर देख रही है, एक ब्लैक शैडो जैसी नजर आई थी, वो चीज पता नहीं क्या थी बट यहाँ पे आने के बाद वो मेरे को नहीं दिखी है। तो ये चीज ना थोड़ी डरावनी लग रही है। अभी हम आगे चल रहे हैं और देखो यहाँ पर क्या कि स्ट्रीट लाइट बस वगैरह यहीं तक है और इसके बाद का अंधेरा आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसके बाद का कैसा है। तो गाइस लगभग यहाँ पर चलते हुए ना मेरे को आधे घंटे से ज्यादा हो गए हैं। और गाइस आप लोगों को खुद ये सोच कर आप सोच सकते हो कि जब आप लोगों को पता चले कि एक रोड है जिसके ऊपर एक चुड़ैल का साया है और उसकी वजह से यहाँ पर पुलिस वाले खड़े कर दिए गए हैं ताकि लोगों को आगे ना जाने दिया जाए क्योंकि उनको दिक्कत हो सकती है, उनको परेशानी हो सकती है, वो जो चीज़ है वो साया है चाहे जो भी चीज़ है वो उस पर हमला कर सकती है। 1 मिनट पीछे शीशे में ऐसा लग रहा है रोड की तरफ पीछे की तरफ वो ही आ रहा था, एक मिनट शीशा साफ कर देता हूँ मैं। मेरे को पीछे रोड पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई आता हुआ दिख रहा हो बट वो नहीं है। बट नहीं क्यों ऐसा मेरे को बार बार लग रहा है कि जैसे रोड सामने की तरफ में कोई है वहां पर है, लेकिन जब मैं वहां पे जाता हूँ तो वो चीज नहीं होती है। ओह शिट यार ये चीज देखो एक बार, ओ यार ये चीज देखो, पता नहीं रोड के बीचों बीच ये चीज दिख रही है यार, ये चीज मेरे को ठीक नहीं लग रही और ये सच में कोई पैरा नॉर्मल एक्टिविटी ही है यार। ओ ये गायब हो गई देखो यार, शिट यार ये जो चीज दिखी है ना इसको देखने के बाद सच में अब मेरी इस रोड पर बिल्कुल भी थोड़ी देर भी और रुकने की हिम्मत नहीं है क्योंकि मुझे लगता है ना कहीं ये मुझ पर अटैक ना कर दे या मुझ पर हमला ना कर दे या कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से मैं दिक्कत में आ जाऊं क्योंकि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं है
और अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा रिस्क की बात हो जाएगी, क्योंकि मेरे को बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। और अगर ऐसा हो जाता है तो पुलिस वाले भी काफ़ी पीछे की तरफ खड़े हैं, मैं उनको छोड़कर मतलब उनके रास्ते जब वहाँ से निकला तो वो लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं। लगभग इस रोड पर मैं आगे 1.5-2 किलोमीटर और आगे चल चुका हूँ, और मैं सच में अब इस रोड पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता यार। मैं निकल रहा हूँ आगे की तरफ, और यार ये चीज़ ना बिल्कुल यहीं दिखी थी, मैं आगे निकल रहा हूँ यार, कहीं दिखे ना वो चीज़, तो आप लोग मेरे को कमेंट करना जरूर, क्योंकि इस टाइम मेरा फोकस बिल्कुल ड्राइविंग पर है और मैं फटाफट बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ यार। वो चीज़ देखने के बाद सच में यार मेरा गला सूख गया है, मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गई हैं कि मैं क्या बताऊँ यार, मैं सच में डर गया हूँ वो चीज़ देखने के बाद, क्योंकि अकेला हूँ यार मैं। आप सोच सकते हो कोई अकेला इंसान जिसको ऐसी चीज़ दिख जाए उसकी हालत कैसी होगी। अगर मेरे साथ कोई एक बंदा भी होता तो शायद मैं थोड़ा सा हिम्मत दिखा के उसको नीचे उतर के कैप्चर करने की कोशिश करता या उससे बातचीत करने का ट्राई करता, बट इस टाइम मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मेरे को यहाँ से फटाफट निकलना है और मैं बस जल्द से जल्द यहाँ से निकल रहा हूँ। शिट यार, बहुत ही खतरनाक चीज़ है वो, और शायद मेरे को लग रहा है वही इसी वजह से वो पुलिस वाले यहाँ पर खड़े किए गए हैं, ताकि वो लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। रात के टाइम लोग इस रोड पर कम से कम आएं और वो चीज़ जो है लोगों को कम नुकसान पहुँचाए। यार मैं क्या क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, बस मेरे को निकलना है यहाँ से। और यार यहाँ पर भी देखो ये बंदे जो हैं, पुलिस वाले नहीं, ये लोग हैं यहीं पर रुक गए, ये लोग आगे की तरफ नहीं जा रहे। तो गाइस वो जो लोग दिखे थे ना, मेरे को लग रहा है जहाँ तक कि वो छीना झपटी करने वाले चोर वगैरह हो सकते हैं, वो जो यहाँ से पैदल जाने वाले होते हैं उनको पकड़ के उनको मार पीट के उनसे चीज़ें पैसा छीन लेते हैं, फ़ोन वगैरह उनसे छीन लेते हैं। और क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ इसलिए थोड़ा सा मेरे को सेफ लगा और मैंने गाड़ी फटाफट वहाँ से निकाल ली। और मैं सच बताऊँ अब इस रोड पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता, क्योंकि यार मेरे को रिस्क लग रहा है। फटाफट निकलता हूँ मैं यहाँ से, उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद आप लोगों से बात करता हूँ यार। यार ये पता नहीं क्या बंदा था यार, ये अजीब सा बंदा यहाँ पर बैठा हुआ था, इसको देख के मेरे को अजीब ही लगा यार। ओह शिट, ये पेड़ के ऊपर गया था यार। शिट यार यहाँ से निकलने दो फटाफट। गाइस मैं लिटरली सच में इतना घबरा चुका हूँ ना कि मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे रही है अब। और इस टाइम मैं अगर किसी को फ़ोन करूँ ना तो कोई आ भी नहीं सकता, क्योंकि रात इतनी ज़्यादा हो चुकी है और ये लोकेशन जो है, ये जगह जो है, ये इतनी दूर है कि यहाँ पर आ पाने में भी लगभग उनको 2-2.5 घंटे लगेंगे। मैं फटाफट निकलता हूँ यार, बस कोई चोर वगैरह या लुटेरे वगैरह मेरे को रोक के छीना झपटी ना करे यार, क्योंकि ऐसा ही एक बार मेरे साथ हुआ था, मेरी गाड़ी जिसमें चोरी हो चुकी है। शिट यार, देखो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी 1-2 पुलिस वाले बैठे हुए हैं, और वहाँ पे पीछे पुलिस वाले बैठे हुए थे, और उसके बाद पीछे की तरफ जहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले थे वहाँ पे थे, और यही बीच का वो रोड है। ये क्या चीज़ है यार, शिट, ये क्या चीज़ है रोड के बीचों बीच दिखी यार। शिट, वो वहीं पर है वो चीज़। एक बार जूम करता हूँ, वो देखो उसमें थोड़ी थोड़ी मूवमेंट सी यार, ये थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मेरे को। मैं फटाफट निकलता हूँ यार यहाँ से। यार ये चीज़ पता नहीं क्या चीज़ थी। शिट, ये चीज़ जो रोड के बीचों बीच दिखी ना मेरे को, और एक टाइम पहले वहाँ पे जब मैंने रुका हुआ था, मैं आप लोगों से बात कर रहा था,
और वहाँ पे जो चीज़ दिखी और उसके बाद ये रोड क्रॉस करते हुए जो चीज़ दिखी है, ये देखने के बाद सच में हालत ख़राब हो चुकी है भाई। बस यार फटाफट निकल जाऊँ मैं यहाँ से। तो गाइज़ मैं अभी उस रोड से निकल के बाहर की तरफ मैं आ चुका हूँ, लगभग वो रोड ख़त्म हो चुका है। और सच बताऊँ कि मेरे को ना थोड़ी बहुत बातें अजीब लग रही हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें मैंने देखी उस पर विश्वास भी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ मेरे को देखी उसको लगा कि देख के कि शायद वो पैरानॉर्मल ही है, वो कोई ऐसी शक्ति है, अदृश्य शक्ति जो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन पुलिस वाले का वहाँ पर होना, मेरे को थोड़ी सी ये बात भी लग रही है कि हो सकता है कि जो वहाँ पर छीना झपटी होती है या चोर लुटेरे वगैरह वहाँ पर मौजूद हैं। ये देखो एक दो बाइक वगैरह वगैरह वाले यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि बीच में से एक शॉर्टकट रास्ता भी है निकलने के लिए। तो ये चीज़ें हो सकती है कि शायद पुलिस वाले इसलिए खड़े हों कि रात के टाइम पे वहाँ पे जो चरसी वगैरह हैं या छीना झपटी करने वाले हैं या चोर लुटेरे वगैरह हैं, उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लग गई होगी, इस वजह से वहाँ पे पुलिस वाले खड़े कर दिए। क्योंकि एक दो जगह शायद मेरे को नज़र आया कि कोई चरसी वगैरह से समैके टाइप होते हैं ना, वो सब बैठे हुए थे, ड्रिंक करने वाले बंदे, रात में तकरीबन 3:30 बजे वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। ऐसे लोग जो वहाँ नशा करते हैं वो लोग वहाँ पर 2-3 जगह मेरे को दिखे। तो वो चीज़ें देखकर मेरे को लगा कि शायद पुलिस वाले इस वजह से हो सकते हैं। और ये जो एक चुड़ैल की बात है या डायन की बात है, ये एक अफवाह फैलाई गई है या फिर एक बातें होती है ना कहानी जब लोगों में, हालांकि ये हॉन्टेड रोड है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस चीज़ को इतना ज़्यादा फैला दिया गया है ताकि जो चोर वगैरह हैं इस चीज़ों को सुनकर यहाँ पर कम आया करें। हो सकता है ये वजह भी हो सकती है, कहने को बहुत सारी बातें हो सकती है। तो चीज़ें कंफ्यूजिंग है, बट रियल हॉन्टेड रोड है। जो चीज़ें मैंने देखी उसको मैं झूठ साबित नहीं कर सकता, वो बिल्कुल सच है। और बाकी आप लोगों की क्या राय है आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में भी आप कमेंट मेरे को कर सकते हैं। और चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, मेरे फेसबुक पेज पांडे जी को फॉलो कर लेना, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप जाके उसको सर्च भी कर सकते हो पांडे जी नाम से। तो मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जगह पर कोई हॉन्टेड सी वीडियो लेकर। और इस वीडियो के बारे में प्लीज़ 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 अपनी राय जरूर देना कि वो पुलिस वाले यहाँ पर क्यों खड़े थे, क्या वो सिर्फ उन चोर लुटेरों की वजह से खड़े थे ताकि वो लोग कम आए, या फिर उस चुड़ैल की वजह से ही खड़े थे ताकि लोगों को वो चीज़ नुकसान ना पहुंचाए। तो ये दो चीज़ें हैं, ये मेरे को क्लियर नहीं हुई है, आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय बाय।